हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स टू यू जूलॉजी क्लास फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जो युगलिना है उसका जो एक्सटर्नल पार्ट में कितने कितने जो है वो ऑर्गन्स हैं, और जिसमें हमने आपको दो वीडियो में वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तक बताया, यानी संकुचनशील धानी तक। उसके आगे जो अगले उसके पार्ट्स हैं, उसके बॉडी के जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, उसको आज हम आपके सामने रखेंगे। देखिए कौन कौन से हैं। तो जो इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील धानी के बाद जो अगला इसका पार्ट्स होगा वो होगा स्टिग्मा। स्टिग्मा हमने फिगर बना के भी समझाया था कि जो रिजर्वायर होता है, जो ये रिजर्वायर फ्लास्क शेप्ड होता है, इस फ्लास्क शेप्ड में बताया गया कि एक व्हिप लाइक फ्लैजिलम होता है, एक शॉर्ट फ्लैजिलम होता है। तो ये स्टिग्मा यानी इस तरह की संरचना दिखाई पड़ती है, इसके दोनों ओर ड्रॉपलेट्स, ये स्टिग्मा होता है। तो स्टिग्मा को बताया गया कि जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के बारे में लिखा गया कि ए कप शेप्ड रेड आई स्पॉट। ए कप शेप्ड यानी एक प्याले की तरह कप के आकार का आई स्पॉट, स्पॉट आई स्पॉट मतलब होता है आंख के समान धब्बा वाला। तो आई स्पॉट जिसको स्टिग्मा बोलते हैं, यानी जो इसका इंटीरियर पार्ट होता है युग्लिना का, जहाँ रिजर्वायर होता है वहाँ के दोनों ओर, यानी इसके इंटीरियर पार्ट के दोनों डायरेक्शन पर, रिजर्वायर के दोनों डायरेक्शन पर क्या होता है कि ये कप शेप्ड स्पॉट होता है जिसको स्टिग्मा कहा जाता है। और यहाँ लिखा है कि लेइंग नियर द इंटरनल ऑफ द साइटोफेरिंग्स क्लोज टू द रिजर्वायर, यानी स्टिग्मा स्थित कहाँ होता है। तो लिखा है कि इंटरनल ऑफ द साइटोफेरिंग्स, साइटोफेरिंग्स के अंदर और क्लोज टू रिजर्वायर, यानी रिजर्वायर से सटे हुए होते हैं। और ये कैसे होते हैं, रेड लाल आई स्पॉट, यानी रेड आई स्पॉट लाल आंख के समान धब्बे होते हैं। और साथ ही स्टिग्मा इज कंपोज्ड ऑफ ए प्लेट ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स, यानी जो स्टिग्मा हमें दिखाई पड़ते हैं लाल रंग के, वो ऐसा लगता है कि ये एक लिपिड ड्रॉपलेट्स होती हैं, यानी लिपिड की बूंदें होती हैं, लिपिड के बूंदों के समान होती हैं, यानी ड्रॉपलेट्स के समान होती हैं। इस तरह की संरचना चेंज विथ ए रेड पिगमेंट, यानी इसका जो कलर है वो बदल जाता है, यानी चेंज हो जाता है एक रेड पिगमेंट, यानी एक रेड पिगमेंट के साथ, रेड पिगमेंट के कारण, लाल रंगा पदार्थ के कारण इसका रंग रेड हो जाता है। और वो लाल रंगा जो पदार्थ है, यानी जो रेड पिगमेंट है, उसे क्या कहते हैं, कैरोटीनॉइड। क्या कहते हैं, कैरोटीनॉइड, यानी कैरोटीनॉइड के कारण ये क्या है, जो स्टिग्मा है ये हमें कैसा दिखाई पड़ता है, रेड आई स्पॉट की तरह दिखाई पड़ता है। और स्टिग्मा के बारे में ये बताया गया कि स्टिग्मा सेंसिटिव टू लाइट, यानी जो स्टिग्मा है ये क्या है, सेंसिटिव टू लाइट, यानी जब इस पर प्रकाश पड़ता है, यानी युग्लिना के ऊपर जैसे ही प्रकाश पड़ता है ये क्या करता है कि कुछ एक्टिविटी करता है, यानी उसको सेंस मिल जाता है कि कुछ हमारे ऊपर पड़ रहा है। यानी वो क्या करता है कि जैसे एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो स्टिग्मा है ये सेंसिटिव टू लाइट अगर कहा गया है, तो प्रकाश के पड़ने पर इसको कुछ जो है हलचल महसूस होती है, अपने आप को जो है ये थोड़ा सा एक्टिव करता है। तो देखा जाए कि एज लाइक ए ब्रेन, यानी हमारे ऊपर अगर कोई प्रभाव पड़ता है सबसे पहले हमारा ब्रेन काम करता है, तो उसी प्रकार ये स्टिग्मा इसके ऊपर काम करता है। स्टिग्मा ये काम करता है कि जैसे ही इस पर लाइट पड़ता है ये तुरंत कुछ न कुछ हरकत करना शुरू कर देता है, यानी कुछ एक्टिव हो जाता है। तो ये था स्टिग्मा। अब अगला इसका जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स, उसको कहते हैं पैराफ्लैजिलर बॉडी। पैराफ्लैजिलर बॉडी, पैराफ्लैजिलर को बॉडी को देखिएगा, इसको कहा गया ए स्मॉल स्वेलिंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ टू रूट्स ऑफ फ्लैजिलम, यानी जो पैरा, पैरा माने जो उप होता है, यहाँ देखिए पैरा माने उप, फ्लैजिलर
बॉडी यानी उपफ्लैजिलर बॉडी। तो उपफ्लैजिलर बॉडी का मतलब होता है कि एक स्मॉल स्वेलिंग यानी एक छोटा सा फूला हुआ पार्ट लाइज स्थित होता है एट द जंक्शन ऑफ टू रूट्स, यानी एक छोटा फूला हुआ भाग जो स्थित कहाँ होता है, जंक्शन ऑफ टू रूट्स ऑफ फ्लैजिलम, फ्लैजिलम के दोनों रूट्स पर एक छोटा सा फूला हुआ पार्ट दिखाई देता है और ये फूला हुआ पार्ट कॉल्ड पैराफ्लैजिलर बॉडी। इसे ही क्या कहा जाता है, पैराफ्लैजिलर बॉडी, यानी जो फ्लैजिला है, फ्लैजिलम है, इसके दोनों तरफ यानी दोनों रूटों पर एक छोटा सा फूला हुआ पार्ट इस तरह दिखाई पड़ता है और ये फूला हुआ पार्ट क्या कहलाता है, पैराफ्लैजिलर बॉडी कहलाता है। और पैराफ्लैजिलर बॉडी का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि इट इज रिगार्डेड एज फोटो रिसेप्टर। इसको क्या, इसका फीचर क्या होता है कि इट इज रिगार्डेड एज फोटो रिसेप्टर। ये काम, इसका काम होता है कि ये फोटो रिसेप्टर होता है। फोटो रिसेप्टर का मतलब होता है कि इमेज के प्रतीत होने पर ये काम करना शुरू कर देता है, यानी जैसे ही इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश का इस पर इमेज बनता है, इमेज बनाने का काम यानी प्रकाश पड़ने पर स्टिग्मा काम करता है और इमेज बनाने यानी जो इमेज बन रहा है उसका काम ये पैराफ्लैजिलर बॉडी करता है कि इसीलिए इसको कहा गया कि इट इज रिगार्डेड एज फोटो रिसेप्टर, यानी ये पैराफ्लैजिलर बॉडी का काम क्या होता है कि ये फोटो रिसेप्टर होता है। अब इसका जो अगला पार्ट्स है वो है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जिसको हम केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक, केंद्रक। अब इस केंद्रक जो इसके सेंटर में स्थित होता है, केंद्रक कहाँ होता है, इसके सेंटर में स्थित होता है, तो इसको बताया गया कि जो केंद्रक होता है, हमने फिगर में बनाया था यहाँ केंद्रक, तो केंद्रक में आप जानते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये और इसके बीच में एक होती है न्यूक्लियोलस होती है, तो ये जो है ये स्थिति जो है इसके बॉडी के सेंटर में होती है और सेंटर में होने के साथ से बताया गया कि न्यूक्लियस क्या है कि ए सिंगल लार्ज स्फेरिकल, यानी अगर देखा जाए तो जो युग्लिना है उसमें जो न्यूक्लियस केंद्रक होता है वो कितना होता है, एक न्यूक्लियस यानी एकल न्यूक्लियस होता है, सिंगल होता है, और कैसा होता है, सिंगल लार्ज एकल और बड़ा स्फेरिकल माने गोल न्यूक्लियस पाया जाता है। युग्लिना की बॉडी में एक सिंगल न्यूक्लियस जो कि कैसा होता है, गोल होता है और ये क्या होता है, बड़ा होता है, एज वेसिकुलर न्यूक्लियस लाइज, और ये संवहनी होता है जो स्थित होता है इन ए डिफरेंट पोजीशन यानी एक अलग पोजीशन पर, यूजुअली नियर द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो बताया गया कि ये, इसको देखा गया कि ये बॉडी के एकदम सेंटर में स्थित होता है और इट इज होता है, तो ये जो है क्या है कि इसके ऊपर एक डिस्टिंक्ट, एक बहुत सूक्ष्म परत होती है, एक बहुत डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन होती है, और ये मेम्ब्रेन क्या होती है कि द न्यूक्लियस कंटेन ए लार्ज सॉलिड, और इस न्यूक्लियस के अंदर एक बड़ा सॉलिड क्या होता है, सेंट्रल बॉडी, यानी इसके अंदर एक बड़ी सेंट्रल बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको क्या कहते हैं, इंडोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडोसोम, यानी आंतरिक बॉडी, न्यूक्लियस के अंदर एक जो है आंतरिक बॉडी होती है जिसको क्या कहते हैं, इंडोसोम, इंडोसोम। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो युग्लिना का एक्सटर्नल फीचर है उसमें हमने 9 प्रकार के अंगों को, जो पार्ट्स हैं उसको पढ़ा। अब इसके अगले पार्ट्स में हम पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, जो जिसमें तमाम प्रकार की चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।